नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीपल इन द न्यूज़, ऐसे लोग जो कि न्यूज़ में छाए रहते हैं। रीड द क्लूज़ एंड आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटीज़, आपको यहाँ पे क्लूज़ दिए गए हैं उसको रीड करना है, पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करना है, एंड देन राइट देयर नेम्स, आपको जो है उनके नेम्स लिखने हैं। सो फर्स्ट देखिए, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स, ही इज़ ऑल्सो द विनर ऑफ द 2016 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। सो वो जो ये जो पर्सनैलिटी हैं, ये ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर हैं और जो है विनर हैं ये 2016 में, ठीक है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला था, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला था। सो हिज नेम इज़ नोवाक जोकोविक। नंबर टू देखिए, ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ फेसबुक, फेसबुक के फाउंडर हैं, और सोशल नेटवर्किंग साइट जो फेसबुक है दैट इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट, और कौन है ये फाउंडर, मार्क जुकरबर्ग। नंबर थ्री देखिए, शी इज़ एन एक्टिव सपोर्टर ऑफ गर्ल्स, सो ये जो है गर्ल्स एजुकेशन की बहुत ही एक्टिव सपोर्टर रही हैं, एंड द यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट, तो ये जो है सबसे छोटी नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट हैं, पुरस्कार भी जीता है, और इनका नेम है मलाला यूसुफ़ज़ई। नंबर फोर देखिए, दिस एक्टर इज़ एन एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड फॉर गर्ल्स एजुकेशन, सो दिस एक्टर इज़ एन एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वालिटी, तो ये जो एक्टर हैं ये जेंडर इक्वालिटी के एडवोकेट हैं जो, एंड गर्ल्स एजुकेशन के भी एडवोकेट हैं। She was appointed UN. UN means United Nation. She was appointed UN Women Goodwill Ambassador in 2014. और ये जो है United Nation में जो है वुमेन एम्बेसडर जो है डिक्लेयर की गई थी 2014 में, वुमेन गुडविल एम्बेसडर। सो इट्स हर नेम इज़ एमा वाटसन। नंबर फाइव देखिए, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ जर्मनी, और ये जो जर्मनी की फर्स्ट फीमेल चांसलर थी, शी वॉज नेम्ड द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड इन 2016, और ये जो है मोस्ट पावरफुल वुमेन, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वुमेन डिक्लेयर की गई थी 2016 में, इनका नेम है एंजेला मार्केल। हेयर इज सम फुटबॉल लेजेंड्स, तो फर्स्ट इज From France, his name is Karim Benzema, and the second is Gareth Bale, third is from Brazil, Neymar Jr. Next, fourth is from Argentina, and the name is Angel Di Maria. Number 5 is from Germany, and the name is Mesut Ozil. Number 6 is from Portugal and the name is Cristiano Ronaldo, and number 7 is from England and his name is Wayne Rooney. See, it's a fact. The FIFA Women's World Cup was first held in China in 1991. जो FIFA का हमारा वुमेंस का जो वर्ल्ड कप था सबसे पहले कहाँ हुआ था, वो चाइना में, कब हुआ था, 1991 में। द यूनाइटेड स्टेट वन द 2015 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप, और जो यूनाइटेड स्टेट था उन्होंने 2015 में फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप को वन किया था, जीता था। अ जर्नी इनटू स्पेस मींस स्पेस की जर्नी, पेज नंबर 52। Human beings have always been fascinated by outer space. So human beings जो होते हैं वो हमेशा ही एक strong attraction रखते हैं outer space के बारे में जानकारी लेने के लिए, knowledge लेने के लिए। Fascinated means होता है strongly attracted. So we have an overwhelming desire to travel to other worlds. So हमको एक overwhelming means होता है a very great in amount. मीन्स कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको डिज़ायर होती है, इच्छा होती है टू ट्रैवल टू अदर वर्ल्ड, अदर वर्ल्ड के ट्रैवल करने की।
क्यों होती है? जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड आवर प्लेस इन द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स में हमारी जगह, हमारा स्थान कितना है। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर होती है, ठीक है। सो द एज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन बिगिन व्हेन द सोवियत यूनियन लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक 1 इनटू स्पेस इन 1957। सो जो स्पेस रिसर्च कब स्टार्ट हुई थी, एक्सप्लोरेशन मीन्स रिसर्च, स्पेस की रिसर्च करना हमने कब स्टार्ट किया था, जब सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और उसका नेम क्या था, स्पुटनिक 1, ठीक है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया था इन्होंने, स्पेस में किया था, और कहाँ कब किया था, ये 1957 में। सिंस देन वी हैव मेड कंसिडरेबल एडवांस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, और तब से हमने स्पेस रिसर्च में काफ़ी प्रोग्रेस किया है, इस तरह के एडवांस इनफ प्रोग्रेस किया है। कंसिडरेबल मीन्स बहुत, मतलब इनफ, काफ़ी ज़्यादा हमने प्रोग्रेस कर ली है स्पेस के अंदर। अब आते हैं हम अपने वेरियस मिशन पे। सो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो हो रही है, मैरिनो 10। फर्स्ट इज मरकरी, मैरिनो 10 एंड मैसेंजर वर रोबोटिक स्पेस प्रॉप्स लॉन्च टू स्टडी इन एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, सरफेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मरकरी। सो जो मैरिनो 10 है एंड मैसेंजर है, ये दोनों क्या थे, ये रोबोटिक स्पेस प्रॉप्स थे जो कि लॉन्च किए गए थे, किस चीज़ की स्टडी करने के लिए, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर एंड सरफेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मरकरी, मरकरी की अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए, एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए, एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए एंड वहाँ के सरफेस की स्टडी करने के लिए। आते हैं हम नंबर 2 में, देखिए वीनस, सी मैरिनो 5, यहाँ पे इसकी पिक्चर शो हो रखी है। सो फर्स्ट देखिए, वेनरा 4 एंड मैरिनो 5 आर स्पेस प्रॉप्स दैट हैव कलेक्टेड इम्पॉर्टेंट डेटा ऑन वीनस। सो जो वेनरा है, वेनरा 4 एंड मैरिनो 5 जो है, ये स्पेस प्रॉप्स हैं जिन्होंने वीनस से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेटा को कलेक्ट किया है। सबसिक्वेंट मिशंस टू वीनस सबसिक्वेंट मीन्स होता है जो बाद के मिशन है, ठीक है। इंक्लूड्स, जो सबसिक्वेंट मिशन है वीनस के, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है हमारा, वीनस एक्सप्रेस एंड अकात्सुकी। नेक्स्ट देखते हैं हम अर्थ। अर्थ देखिए, यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है आपको, ये सारल की है सैटेलाइट, देखिए। अ नंबर ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च टू अंडरस्टैंड आर ओन प्लैनेट। सो यहाँ पर जो है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि सैंड लॉन्च की गई है, किस लिए लॉन्च की गई है, जिससे कि हम अपने प्लैनेट को अच्छी तरह से समझ सकें। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है किसकी, इसरो, ISRO, आई मीन्स इंडियन, एस मीन्स स्पेस, आर मीन्स रिसर्च एंड ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च मैनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन टू स्पेस। सो इसरो ने जो है बहुत सारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है, जिनके नेम देखिए आप, रिसोर्सिस सेट 1 एंड 2, कार्टोसेट 1, 2, 2A, 2B, रीसेट 1 एंड 2, ओशन सेट 2 एंड सारल। ये सारे क्या हैं, सैटेलाइट्स के नेम हैं जो कि अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेस में लॉन्च किए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मार्स। मार्स में आपको मंगलयान की पिक्चर शो हो रही होगी, मंगलयान सैटेलाइट। सो सेवरल कंट्रीज हैव सेंड प्रॉप्स टू मार्स, बहुत सारी कंट्रियों ने मार्स पे अपने प्रॉप्स भेजे हैं। इन 2013 इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन। 2013 में इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया था, जिसको कि हम MOM, MOM के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज मंगलयान, और यह मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 नेम हो गए इसके, मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई MOM,
तो मॉम के नाम से भी जानते हैं। और अनदर नेम क्या है इसका, मंगलयान। इट विल हेल्प साइंटिस्ट टू नो मोर अबाउट द रेड प्लैनेट। और ये इसने क्या करा, साइंटिस्ट को हेल्प करा ये जानने के लिए, किस चीज़ के बारे में जानने के लिए, मार्स के लिए। और मार्स का अनदर नेम क्या है, रेड प्लैनेट भी है। सो ये जो है जितने भी साइंटिस्ट हैं उसको रेड प्लैनेट के, उनको रेड प्लैनेट के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए ये सैटेलाइट हेल्प करती है। आपने मंगलयान मूवी भी देखी होगी, ठीक है ना, वही मिशन मंगल था ये। चलिए अब आते हैं हम जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर एंड सैटर्न, पायनियर 10 वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू ऑब्टेन क्लोजअप इमेजेस ऑफ जुपिटर। सो पायनियर 10 जो था वो फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था जिसने कि जुपिटर की सबसे ज़्यादा क्लोजअप इमेजेस को ऑब्टेन किया। पायनियर 11 सर्वेड द रिंग्स ऑफ सैटर्न। और जो पायनियर 11 था उसने क्या सर्वे किया था, सैटर्न की रिंग। आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा, जो सैटर्न है उसके आसपास रिंग होती है, तो उसकी रिंग के बारे में सर्वे किया था। उसके बाद जूनो है, जूनो की पिक्चर भी आपको शो हो रही है, जूनो सैटेलाइट की। सो जूनो अनदर मिशन एंटर जुपिटर्स ऑर्बिट इन 2016। सो जूनो का जो अनदर कोई अदर मिशन था जिसने कि जुपिटर में, जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर किया था, और वो कौन से ईयर में एंटर किया था, 2016 में। नेक्स्ट इज यूरेनस एंड नेपच्यून। वॉयेजर 2 वॉज लॉन्च टू स्टडी यूरेनस एंड नेपच्यून। सो यूरेनस एंड नेपच्यून की स्टडी करने के लिए कौन सा सैटेलाइट सेंड किया गया था, वॉयेजर 2। अब आपको यहाँ पे पिक्चर भी शो हो रही होगी वॉयेजर 2 की। सो वॉयेजर 2 लॉन्च किया गया था यूरेनस और नेपच्यून की स्टडी करने के लिए। एट प्रेजेंट टाइम में इट इज़ ऑन अ मिशन टू स्टडी व्हाट लाइज बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। सो प्रेजेंट में जो है ये इस मिशन पे है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अनदर साइड में क्या है, उस चीज़ की रिसर्च करने के लिए ये सैटेलाइट सेंड किया गया, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इज द मून। मून जो है वो आर सैटेलाइट, हमारा ही सैटेलाइट है। द मोस्ट मेमोरेबल मिशन टू स्पेस वॉज द वन विच हैड ह्यूमंस ऑन बोर्ड। सो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट मेमोरेबल मिशन था हमारे स्पेस का, जब ह्यूमन बींग जो है मून पर गया था। द अपोलो ल्यूनर मिशन कैरिड ह्यूमंस टू द मून। और अपोलो ल्यूनर मिशन जो था वही ह्यूमंस को जो है मून पर लेकर गया था। पहले तो डॉग को सेंड किया गया था, लाइका डॉग को, लेकिन उसके बाद जब सबसे पहले ह्यूमन ने वहाँ पर अपने कदम रखे थे, ह्यूमन बींग्स ने, सो वो कौन से मिशन के थ्रू रखे गए थे, अपोलो ल्यूनर मिशन, ठीक है, जो कि मून कैरिड ह्यूमन को लेकर गया था मून पर। द फर्स्ट अपोलो एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन द मून वॉज। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो मून पे जिसने अपना फर्स्ट स्टेप रखा था कौन से एस्ट्रोनॉट थे, वो नील आर्मस्ट्रांग। ही सेड, उन्होंने क्या कहा था, दैट्स द वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन एंड अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। दैट्स द वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन मीन्स कि यह ह्यूमन बींग का सबसे, मतलब एक छोटा सा स्मॉल स्टेप है, ठीक है। जब उन्होंने मून पे कदम रखा था तब उन्होंने ये बात बोली थी कि यह जो है एक बहुत ही छोटा सा स्टेप है ह्यूमन बींग के लिए, बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, लेकिन एक बहुत ही बिग, एक जायंट लीप है। लीप मीन्स होता है छलांग मारना, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग मारना है, मीन्स कि चांद पे कदम रख देना एक बहुत ही बड़ा टास्क था, ठीक है। एक छोटा सा कदम तो था ह्यूमन बींग का जो उन्होंने मून पे रखा था, बट इट वॉज अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, लेकिन ये जो है मैनकाइंड के लिए एक बहुत ही जायंट लीप था। सो आपका ये पेज कंप्लीट हो गया है। सो पेज नंबर 54, इको क्वेज, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। कलर द करेक्ट लीव्स ग्रीन। आपको जो करेक्ट लीव्स है उसे ग्रीन कलर करना है, मैंने टिक कर दिया है यहाँ पर। सो फर्स्ट वन इज, विच कॉमिक कैरेक्टर ऑफ द एस्ट्रिक्स सीरीज लव्स ट्रीज। एस्ट्रिक्स के सीरीज में ऐसा कौन सा कॉमिक कैरेक्टर है जो कि ट्रीज को लव करता है। सो द आंसर इज डॉगमैटिक्स। नंबर टू देखिए, विच ऑफ दीज इज रैपिडली टर्न इंटू द वर्ल्ड्स हाइएस्ट गार्बेज डंप। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से कौन सा ऑप्शंस है जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट गार्बेज डंप में रैपिडली बहुत तेज़ी से टर्न हो रहा है,
वर्ल्ड के हाईएस्ट कचरे के ढेर में? सो द आंसर इज माउंट एवरेस्ट। सी द नंबर थर्ड पॉइंट, हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज? सो वर्ल्ड का कितना वाटर जो है ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है? सो द आंसर इज लेस देन 1%। मीन्स टोटल वर्ल्ड में जितना वाटर है उसका लेस देन 1% ही ह्यूमन उसको यूज़ करते हैं, ह्यूमन के लिए अवेलेबल है, ह्यूमंस यूज़ कर सकते हैं उसको। नाउ कम टू द नंबर 4, विच ऑफ दीज एनिमल्स हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज होने से कौन से एनिमल में, कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि मिसिंग फॉर्म में है, मीन्स कि विलुप्त अवस्था में है? सो द आंसर इज ए गोल्डन टॉड। नंबर 5 देखिए, विच ऑफ दिस इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? सो इसमें से कौन जो है एनर्जी का ऐसा सोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल है, नया गैर नवीनीकरण ऊर्जा का जो स्रोत है, एनर्जी का जो सोर्स है नॉन रिन्यूएबल वाला, दैट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम है, सोलर पावर और बायोमास भी हैं लेकिन वो पुराने हैं। नाउ जो अभी नया जो सोर्स है वो क्या है हमारा? पेट्रोलियम है। नाउ कम टू द नंबर 6 पॉइंट, विच कंट्री कंज्यूम्स द मोस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड? ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, यूज़ कर रही है? सो द आंसर इज़ चाइना। नाउ कम टू द 7 पॉइंट, विच गैस इज़ रिलीज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल? ऐसी कौन सी गैस रिलीज होती है जो फॉसिल फ्यूल बर्न होता है? सो द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कम टू इट्स अ फैक्ट पे आ जाइए, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग टेम्परेचर टू राइज अक्रॉस द अर्थ। सो आप सभी को पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अर्थ में टेम्परेचर को राइज करने में बहुत ही हेल्प करती है। इंक्रीज्ड सी टेम्परेचर कॉज कोरल टू एक्सपेल द एल्गी, दिस कॉजेज द कोरल टू टर्न कम्प्लीटली वाइट। और यही जो है पूरे कोरल को कम्प्लीटली वाइट टर्न होने में भी रीज़न बन रही है जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज निकलती हैं, हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, ये जो है सी के टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करती हैं, जिससे कि जो कोरल है और एल्गीज हैं वो सारी सारी ख़राब हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। इस यही रीज़न है कि जो सी का वाटर है वो भी कोरल जो है वो कम्प्लीटली वाइट कलर में चेंज हो रहा है, नहीं तो कोरल के जो कलर्स होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही कलरफुल होता है सी में जो कोरल्स होते हैं। द नेचर क्विज पेज नंबर 57, सी फर्स्ट नंबर, वेयर डज द कैक्टस प्लांट स्टोर इट्स फूड? सो कैक्टस प्लांट्स जो है अपने फूड को कहाँ स्टोर करता है? सो द आंसर इज ए स्टेम। नंबर 2 देखिए, विच फेमस आइलैंड्स वर एक्सटेंसिवली स्टडीड बाय चार्ल्स डार्विन? एक्सटेंसिवली मीन्स होता है ब्रॉडली, सो कौन सा लैंड है जो कि बहुत ही ब्रॉडली स्टडीड किया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा? तो ये है हमारा ग्लापगस, ये टर्टल्स होते हैं, ठीक है, सो ग्लापगस इज द राइट आंसर। नंबर 3 देखिए, विच ऑफ दीज गैसेस डज अ प्लांट नीड टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड? कौन सी गैस है प्रिपेयर प्लांट्स को अपने फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, नीड होती है जिसकी? सो द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ दीज इज अनदर नेम फॉर टोडस्टूल? सो टोडस्टूल का जो अनदर नेम है वो क्या है? सो द आंसर इज सी मशरूम। नंबर 4, विच इज द हैवीएस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? सो वर्ल्ड का जो हैवीएस्ट फ्लावर है वो कौन सा है हमारा? आंसर इज ए राफ्लेशिया। नंबर 6 देखिए, व्हाट आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन ड्राई डेजर्ट लैंड्स कॉल्ड?
सो जो ड्राई डेजर्ट लैंड पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सो द आंसर इज ज़ोरोफाइट्स, बी पार्ट इज ओके. नाउ नंबर 7, व्हाट इज द हॉर्न ऑफ राइनोसेरस मेड फ्रॉम? तो किससे बने होते हैं राइनोसेरस के जो हॉर्न्स होते हैं? दैट इज केराटिन. सो द आंसर इज बी. नाउ 8 पार्ट, विच ट्री हैज रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम अंडरसाइड ऑफ द ब्रांचेस और टू द ग्राउंड? सो कौन से ट्रीज होते हैं जिनकी रूट्स जो है अंडरसाइड्स होती हैं, ठीक है, ब्रांचेस के अंडरसाइड्स में होती हैं? सो द आंसर इज बैनियन ट्री. देखिए, सो दिस इज आवर पेज नंबर 58, पीपल वी एडोर. एडोर मीन्स होता है वी रिस्पेक्ट, वी लव. ऐसे लोग जिन्हें हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारे बहुत ही लविंग होते हैं. रीड द क्लूज एंड राइट द नेम ऑफ दीज पर्सनैलिटीज, चूज फ्रॉम द ऑप्शन. सो ऑप्शन आर गिवेन हेयर. कम टू द फर्स्ट. नंबर 1, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द जायंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. सो ये जो है क्रिकेट वर्ल्ड में जाने जाते हैं. ही इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द भारत रत्न. और ये ऐसे फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने भारत रत्न रिसीव किया था, जिन्हें भारत रत्न मिला था. सो द आंसर इज, आप सभी को पिक्चर से भी शो हो गया होगा, सचिन तेंदुलकर. नाउ सेकेंड इज, दिस पद्मश्री अवार्डी इज अ सेलिब्रेटेड भरतनाट्यम डांसर. ठीक है, ये जो भरतनाट्यम डांसर हैं और ये पद्मश्री अवार्डी हैं. शी इज़ द फाउंडर फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल. और वो जो हैं दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल की फाउंडर फेस्टिवल डायरेक्टर भी हैं. सो द आंसर इज प्रतिभा प्रहलाद. सी देखिए, दिस एक्टर इज़ अ पद्मश्री अवार्डी. तो ये जो एक्टर हैं ये पद्मश्री अवार्डी हैं, इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है. शी वॉज वन ऑफ द नवरत्न फॉर द स्वच्छ भारत अभियान. तो ये जो है स्वच्छ भारत अभियान में एक वन ऑफ द नवरत्न है, ठीक है, और इनका नेम है प्रियंका चोपड़ा. एक नवरत्न है ये स्वच्छ भारत अभियान में, मतलब इनका भी सहयोग है स्वच्छ भारत अभियान को अच्छे से चलाने में. नंबर 4 देखिए, शी इज़ नोन एज द प्रिंसेस ऑफ तबला. ये जो है प्रिंसेस ऑफ तबला के नाम से जानी जाती हैं. शी गेव हर डेब्यूट स्टेज परफॉर्मेंस व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड. और जब वो 8 ईयर्स ओल्ड थी तब उन्होंने अपना डेब्यूट परफॉर्मेंस दिया था, स्टेज परफॉर्मेंस, एंड हर नेम इज़ रिम्पा शिवा. दिस इज़ लास्ट नंबर 5, दिस म्यूजिक कंपोजर सॉन्ग राइटर एंड सिंगर वन 2 ऑस्कर्स फॉर द फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर. एंड बी इज, ही वॉज वन ऑफ द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द इंडियन ओलंपिक कंटिंजेंट. ये म्यूजिक कंपोजर जो हैं, ये सॉन्ग राइटर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं एंड सिंगर भी हैं, जिन्होंने 2 ऑस्कर्स वन किए हैं फॉर द फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर. एंड वो एंड ये नेम है इनका AR रहमान. एंड AR रहमान जो है गुडविल एम्बेसडर भी हैं इंडियन ओलंपिक कंटिंजेंट के. सो योर दिस पेज कंप्लीटेड, पेज नंबर 58. टेस्ट पेपर 2, राइट वन वर्ड आंसर. फर्स्ट वन इज, द लाइन विच कनेक्ट्स पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन अ मैप. सो ऐसी कौन सी लाइन है जो कि कनेक्ट करती है पॉइंट्स को इक्वल एलिवेशन पे मैप में? दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टोर लाइन. सेकेंड इज, अ स्मॉल कैनॉय यूज बाय इनुइट्स. सो द आंसर इज कायक. नंबर 3, द फेस्टिवल विच इज़ फेमस फॉर इट्स मास्क. कौन सा फेस्टिवल है जो कि इसके मास्क के लिए फेमस है, मास्क लगाते हैं? दैट आंसर इज कार्निवल ऑफ वेनिस. नंबर 4, द स्पोर्ट वेयर अ पर्सन जंप्स
फ्रॉम अ हाई प्लेस वेयरिंग अ पैराशूट दैट कैन बी कंट्रोल्ड एंड स्टीयर्ड। सो ऐसा कौन सा स्पोर्ट है उसका नेम बताना है जहाँ पे पैराशूट का यूज़ होता है। सो दैट इज़ पैराग्लाइडिंग। नंबर 5 देखिए, द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड की जो बिगेस्ट बर्ड है कौन सी है, वो ऑस्ट्रिच। बी पार्ट देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज एन ऑब्ट्यूज एंगल इज स्मॉलर देन अ राइट एंगल। तो आपको बताया है ऑब्ट्यूज एंगल जो है राइट एंगल से स्मॉलर नहीं होता है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 2 देखिए, वॉल्केनो इरप्शन कॉजेज एयर पोल्यूशन। सो जो वॉल्केनो इरप्शन होता है वो एयर पोल्यूशन का कॉजेज होता है। यस, आंसर इज राइट। नंबर 3 देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। सो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। नंबर 4, द जैकर्स पेंगुइन इज फाउंड इन एंटार्क्टिका। सो जैकर्स पेंगुइन जो है एंटार्क्टिका में मिलता है। फॉल्स। द हाईएस्ट लैंडफिल इन द वर्ल्ड इज इन द एल्प्स। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ट्रू है। आप लोग अपनी बुक में भी लिख लेना, मैं यहाँ पे फिल करना मेरा रह गया है। ओके, सो द आंसर इज ट्रू। आप लोग अपने PDF में भी फिल कर लेना इसको। यहाँ पर सो द आंसर इज ट्रू हियर। आप लोग ट्रू लिख लेना यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, पिक्चर स्टडी। यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स गिवन है और आपको बताना है कि किसकी है ये। फर्स्ट वन इज नेम द पर्सनैलिटी। तो दिस पर्सनैलिटी नेम क्या है, प्रतिभा प्रहलाद। एंड वॉट इज शी फेमस फॉर, और किस चीज़ के लिए फेमस है ये, भरतनाट्यम के लिए। नंबर 2 देखिए, सेकेंड पिक्चर, नेम दिस इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, फोनोग्राफ। और हु इन्वेंटेड इट, किसने इन्वेंट किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने। थैंक यू सो मच।